नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर का चोखा, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और ये खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। तो देखिए, उसके लिए हमने टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों को हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इन्हें इनके ऊपर हल्का सा तेल लगा लेंगे और फिर हम इसे आग पे डायरेक्ट ही ऐसे भूनेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। और चूंकि हमने तेल लगाया हुआ है तो इसका छिलका अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है और ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, देखिए इसका हम छिलका निकालेंगे और फिर एक फोर्क की मदद से इसे देखिए ऐसे पहले दबाएंगे और एक मैशर से इसे अच्छे से मैश करेंगे। आप अगर चाहें तो कोई कटोरी से या आप जिससे भी इसे मैश करना चाहें मैश कर लीजिए। और देखिए, इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ये खाने में बहुत स्वाद लगता है। अब देखिए, हम इसमें एक चम्मच अचार का तेल डालेंगे। आप अगर चाहें तो सीधा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार के तेल से ये और चटपटा और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा, ये खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, मैंने बीज निकाल लिया था नींबू का, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। ये देखिए, टमाटर का चोखा, टमाटर का भरता कह सकते हैं, ये हमारा तैयार है। ये कितनी जल्दी बन जाता है और ये एक बहुत सिंपल रेसिपी है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और ये खाने के स्वाद को बहुत बढ़ा देती है। तो आशा है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।